हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने कुछ सेटअप्स के ऊपर, और किन सेटअप्स में मैं अभी बना हुआ हूँ फॉल के बाद भी और उसका रीज़न, और कुछ सेटअप्स में निकल गया हूँ और फॉल के बाद उनका रीज़न तो मैं आप यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम काफ़ी बार अपना एक बायस बनाते हैं कि कल मार्केट गिर सकती है। बिल्कुल अच्छी बात है ऐसा सोचना, कोई दिक्कत नहीं है। या मार्केट हम सोचते हैं कि हो सकता है कल, आज मार्केट बहुत गिर गई है, कल हम वापस ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या आप उसके लिए प्रिपेयर होते हो? इट मीन्स अगर आपने ये सोचा है कि कल मार्केट ऊपर जाएगी और आपने क्या उसके लिए प्रिपेरेशन कर लिया है, क्या मतलब कुछ प्रिपेयर किया है आपने? और अगर आप मार्केट सोच रहे हो कि गिर रही है तो उसके लिए भी कुछ क्या प्रिपेयर किया है? नहीं किया अगर आपने, तो आप ये चीज़ नहीं समझ रहे कि यहाँ पर आपका क्या है, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है। इट मीन्स आपके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी 50% है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप या तो अप साइड में हो या डाउन साइड में हो। अगर आप अप साइड में और मार्केट ऊपर जाती है और आप उसके लिए प्रिपेयर हो, तो इसका मतलब आपके पास उस टाइम पे, अगर वो आपकी जो आपने सोचा था, जो आपकी 50% चांसेस है, वो ऑटोमेटिक 100% में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी ये सोचा था कि कल हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगी फिर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ है और उसके बाद मुझे लगा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ, काफ़ी थोड़ा सा सिली रीज़न भी था। ठीक है, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी से मुझे लगा था कि जैसे ही यहाँ पर मार्केट थी कल की, ये थी ना, हाँ, तो कल ये मार्केट थी, मुझे लगा था कि इसके ऊपर रुक सकती है, पॉसिबल है कि यहाँ पर इसको सपोर्ट लेगा। फॉर एग्जांपल, जब ये इस तरह से बनाया था तो एक पहले सपोर्ट इसके हाई के ऊपर लिया, तो अगेन यहाँ पर अगर एक हाई के ऊपर सपोर्ट लेकर यहाँ से रिवर्स हो सकती है, बट नहीं हुई। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि जो भी स्टॉक्स हमने लिए थे, मैंने लिए थे, उनमें यहाँ पर तो सेलिंग आई, लेकिन हमारी निफ्टी में इस तरह की सेलिंग नहीं थी, तो जिसकी वजह से मेरे जो स्टॉक्स थे उनमें इतनी सेलिंग नहीं आई। मैं पॉजिटिव होके गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मार्केट खुलते ही एंट्री कर ली थी उसमें कि हाँ मैं तो पॉजिटिव हूँ। मैंने वेट किया, स्टॉक सस्टेन किए, उसके बाद मैंने एंट्री की। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं ये सोच के गया था कि यहाँ पर रुक सकता है, तो सोच के गया। अगर वो गलत हुआ तो मैं नहीं एंटर किया, मैं कैश में हूँ, तो इसका मतलब मैं 100% बच गया। और अगर यहीं से ही मार्केट रिवर्स हो जाती है तो इट मीन्स मैं 100% ठीक हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सोचा है मैंने उस पर काम कर रहा हूँ। तो वो पॉसिबिलिटी जो मेरी 50% थी कि या तो ऊपर या नीचे, वो ऑटोमेटिक मेरी मेरी साइड में हो गई है, तो 100% मैं ठीक हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने क्या एक चीज़ नोटिस की थी, जस्ट एक ऐसे ही, ये कोई एनालिसिस नहीं है बिल्कुल भी, कि 19 जुलाई को यहाँ पर मार्केट गिरी थी गैप डाउन। अगेन यहाँ पर 20, फिर से 20 अगस्त को गिरी थी यहाँ पे, 20 जुलाई को, 20 अगस्त को, और कल था 20 सितंबर। तो मुझे, मैं ऐसे ही मजाक में के बोल रहा था कि हो सकता है यही हमारा एक सपोर्ट की तरह ना काम करने लगे, तो जस्ट वो नहीं है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि पॉजिटिव साइड में मैं लेके गया था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखा था कि अगर कुछ मार्केट में पॉजिटिव होता है तो मैं इनमें एंटर करूंगा। तो फॉर एग्जांपल, Naukri.com। Naukri.com मैंने क्यों सेलेक्ट किया था, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये देख सकते हो पूरा ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब लाइफ टाइम ही इसका ट्रेंड ऊपर है, करंट ट्रेंड भी इसका ऊपर है। और अभी आप देखोगे मार्केट गिरी थी या कुछ नहीं, तो यहाँ पर मैंने एक चीज को क्या नोटिस किया, मैं इसको हटाता हूँ। तो इसका लो है, आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन में, यहाँ पर लो देख सकते हो, इसका लो है 6555। अगेन ये एक बड़ी कैंडल बनी जिस दिन सेल ऑफ आया था फ्राइडे को, ठीक है, उस दिन इसने जो लो बनाया वो बनाया 6565, इट मीन्स इसको ब्रेक नहीं किया। अब मैं अगेन यहाँ पे क्लाइंट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पेज ऑफ मंडे था, मैं इसको पूरा ट्रैक कर रहा था, पूरे दिन मैंने इसको ट्रैक किया है। आप देख सकते हो, मैं इसको जरा आवरली पे चला जाता हूँ। आवरली पे जब आप देखोगे, ये रहा 9 बजे। ठीक है, तो जो 9 बजे का इसका लो है, इसका आप देख सकते हो कितना है, 6560, और यहाँ पर भी 6561, 6560। इट मीन्स जो 55 था उसको इसने ब्रेक नहीं किया पूरे दिन में। तो मैं इसको ही ये पूरा ट्रैक कर रहा था कि कब ये ब्रेक करेगा और मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटाऊं, बट इसने मुझे ब्रेक नहीं किया, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में रह गया ऑटोमेटिकली। तो जब मैंने आज सुबह देखा कि अब इसके नीचे जाता है तो एग्जिट, ऊपर जाता है तो एग्जिट, तो इसने गैप अप मतलब ओपनिंग की यहाँ पर, और ये ऊपर ही सस्टेन किया। जब ये सस्टेन किया ऊपर, तब मैंने इसमें एंट्री ली है कुछ अराउंड 6665 या 62 पे, 62 पे, 6662 पे मैंने एंट्री किया। ये नहीं कि मैंने सुबह ओपनिंग हुई और मैंने इसमें जाके एंट्री करके बैठ गया। तो सुबह मॉर्निंग कैंडल्स आया, आई थिंक मॉर्निंग कैंडल 15 मिनट की थोड़ी हैबिट नहीं है।
ठीक है, तो ये मॉर्निंग कैंडल है इसकी। ठीक है, तो ये मॉर्निंग कैंडल है, आप देख सकते हो ये ऊपर गया, फिर ऊपर सस्टेन किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, बट ये के लो को नहीं ब्रेक कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने इसको अराउंड मतलब 15:30 9:30 के बाद मैंने इसमें एंट्री की थी। तो गाइज ये एक रीजन मेरा आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से हमने ट्रैक किया है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई तरीके का नहीं है, कुछ ऐसा फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, फ्लैग बन रहा है, मतलब एक अपसाइड और रेंज में है, कुछ नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ अब ये कुछ आज ऊपर जा सकता है। तो एक यहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी कि स्ट्रॉन्ग है। सेकंड मेरा गैलेक्सी सरफेस एंट। तो इसमें क्या था, मैंने पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है, ये एक अच्छी कंपनी है, यानी बिजनेस वाइज अच्छी कंपनी है। तो मैं इसको काफी टाइम से इसको ट्रैक कर रहा था कि कब मैं एंट्री करूँ, कब एंट्री करूँ, मेरे को कभी एंट्री इसमें मिल नहीं पाई। मैं अराउंड यहाँ पे इसमें एंट्री करना चाहता था, फिर गिर गया, तो ऑब्वियसली गिर रहा है तो मैं फिर से वेट ही करूंगा। फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और ये एक सडन यहाँ पर जंप लिया था। इस जंप को मैं कैच कर सकता था, बिल्कुल 100% मैं कैच कर सकता था, क्योंकि इस पॉइंट पे मैंने इसको यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में डाल लिया था, और मैं इसको सुबह से देख रहा था कि ये कब ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इसका वेट कर रहा था कि कब ऊपर जाएगा, पूरा दिन इसने यहीं पर निकाला, और लास्ट में फिर ये एकदम से एक उसी मतलब एक एक बार में ऊपर चला गया, तो मैं इसको नहीं एंटर कर पाया था। तो ये मेरी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी था। आज मैंने नोटिस किया कि जो कि कल वाली जो कैंडल है उसने सस्टेन किया है इसी रेंज के ऊपर, और आज भी इसने डोजी बनाई है, तो मैंने इसमें आज एंट्री कर ली थी। ये मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम में और ट्विटर पे भी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो आप आ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको जो भी मैं लाइव मार्केट में कुछ अगर पोस्ट कर रहा हूँ तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, और मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि मुझे अगर कुछ भी कंटेंट डालना है तो मैं आपको डायरेक्ट मुझे आपके पास और जल्दी पहुँचेगा, आप जल्दी देख सकते हैं, मुझे ये बेनिफिट होगा। तो आप उस वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेकम। टेकम में मैंने एग्जिट क्यों नहीं किया, तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छी रेंज बनी है। इवन इसने देखो, फर्स्ट अगर इसका लो ये है, सेकंड लो इसका ये है, तो भी इसने जो पूरा फॉल आया 2 दिन का, उसमें कोई इसका इवन मतलब ये यहां से लेकर यहां तक का थोड़ा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी ब्रेक नहीं किया है अभी। तो क्या मुझे एग्जिट करना चाहिए, ये तो इलॉजिकल एग्जिट होगा, वो तो मैं करना ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको होल्ड किया है। और मैं आपको बता दूं, ये होल्ड आई थिंक मैं यहां से इसको होल्ड कर रहा हूँ 6 तारीख से। तो इसने कभी भी मेरे फर्स्ट लो को ही नहीं ब्रेक किया, यानी जो मेरा स्टॉप लॉस था, अभी तक भी स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं किया है। ये रेंज में है, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन जब ये अब वही वाली बात होती है, इतने दिन से रेंज में है लेकिन एक बार में सब आपको रिटर्न दे जाएगा, अगर देगा, ऐसा गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इलॉजिकल निकल के फिर आपको जब ये चल पड़ेगा, फिर आपको दुख होने से बेटर है आप अपने रूल्स को फॉलो करें। नेक्स्ट इज इन्फी। मैंने ये लेके रखा हुआ है, रीजन एक तो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है आईटी, और मेरे जैसे कुछ स्टॉक्स में से आप देख सकते हो जो मैंने ऊपर जामुच के रखे हैं आपको, ताकि मैं ऐसे ढूंढू ना वीडियो बनाते हुए, तो मैंने पहले ही रखे हैं। तो आप देख सकते हो 3 IT तो मेरे पास है अभी। तो आप फिर से अगेन ये यही चीज नोटिस करेंगे, अगेन फिर यहाँ पे आया रेंज में, फिर यहाँ पे रेंज में इसके नीचे नहीं गया, और उसके बाद आज फिर ऊपर है। अब ये ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद अगर ये क्या मुझे क्या सस्टेन करता है नहीं करता कोई आइडिया नहीं है, बट मैं हमेशा ये लेके चलूंगा कि हाँ इसने अच्छी कैंडल बनाई है, तो आगे क्या हो सकता है, आगे अपसाइड जा सकता है। अगर नहीं गया, अदरवाइज क्या हो सकता है, यहाँ पर मेरा इस जो ये रेंज है छोटी सी, या इस ये मेरा जो स्टॉप लॉस ऑलरेडी है, मतलब मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अगर मैं करता हूँ तो भी वो मेरा हिट नहीं हुआ, अगर इसके नीचे भी जाता है तो मेरे पास चांस है आराम से निकलने का। तो इस तरह से मैंने ये स्टॉक्स को रोका हुआ है, आप देख सकते हैं रीजन प्रॉपर रीजन है इनको रखने का, और नहीं निकलने का रीजन है मेरे पास, सिर्फ ऐसे ही नहीं। जस्ट डायल आप देख सकते हैं ये मेरे पास है, डोजीज बना रही है, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था मैं एंटर हुआ था, आज तक भी डोजीज बन रही है, तो कोई नहीं चलता है अभी। ठीक है, जुबिलेंट में आपको एक चीज दिखा देता हूँ। अब इसके बाद आप देख सकते हो इसने एक तरह से आपका ये हायर हाइज तो बना रहा है, लेकिन यहाँ पर रुकने का क्या रीजन था एक ऐसी कैंडल में, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे फिबोनाची यूज किया था। अब जस्ट एक क्लिक से फिबोनाची लग जाती है, इसमें कोई कुछ ऐसा लगना तो है नहीं, क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट पिक किया, सेकंड पॉइंट पिक किया, काम खत्म। ठीक है, तो अब मैंने देखा जब ये हमारा गोल्डन रेशियो पे रुक रहा है, अगले दिन फिर से जो हमारा जो फिर फॉल आया था उसमें अगेन गोल्डन रेशियो पे रुका है, इट मीन मुझे समझ आया कि इस लेवल को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। आज इसके ऊपर नीचे गया, लेकिन जस्ट नीचे जाते ही ऊपर गया, और इसने पूरा प्रॉपर इसको रेस्पेक्ट किया जिस लेवल को मैं सोच रहा था, और जिस रीजन से मैं इसमें नहीं एग्जिट किया था वो रीजन उसने सस्टेन किया और ऊपर गया। तो गाइज यहाँ पर अगेन मेरे पास कोई रीजन नहीं था एग्जिट करने का, तो मैं एग्जिट क्यों करता। ठीक
ठीक है। इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि मैं क्यों रुका हुआ था, क्यों नहीं रुका हुआ। अब आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने देखा कि हाँ ये एक रेंज बना रहा है, कुछ ऐसी आड़ी तिरछी रेंज बना रहा है, लेकिन रेंज है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, इसके नीचे कहीं नहीं गई, इसके नीचे कहीं नहीं गई, थर्ड वापस, तो इसमें कहीं निकलने का चांस नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हम, मैं पहले स्टॉक्स को देखता हूँ कि अगर क्या निकलने का कोई रीजन है भी उसमें, अगर नहीं है तो फिर निकलना क्यों है। मैं एससीआई आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने अभी कल ही इसमें एंट्री ली है, यस कल ही मैंने इसमें एंट्री ली है, फेल हो गया, मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर भी मैं इसमें क्यों हूँ, क्योंकि आप देखो ये कैंडल बनाई थी बड़ी, उसके बाद एक छोटा सा शेकआउट, फिर अगेन एक कैंडल, जो आपकी कैंडल बनी है ये रेड कैंडल, एग्जैक्ट इसके ऊपर हमने देखा कि मैंने मैंने यहाँ पे देखा कि एग्जैक्ट उसके ऊपर एक रिटेस्ट किया है, ठीक है। रिटेस्ट करते ही ये अगले दिन क्या बना है यहाँ पर, जब हमारी, जब तक ये मतलब अभी तो ऊपर चली गई है, जब ये स्टार्टिंग में ओपनिंग हुई थी तो मैंने देखा ये बुलिश हरामी कैंडल बना रहा है, इतना अच्छा गैप अप, जब पूरी मार्केट डाउन है और ये गैप अप, और इसके बाद ये इसने देखो ऊपर भी गया, ब्रेकआउट भी दिया, और जब पूरी मार्केट गिर रही थी, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग था, जब यहाँ पर ही था मैंने एंट्री कर ली थी, सस्टेन नहीं किया तो कोई नहीं, लेकिन एग्जिट मेरा ऑब्वियसली मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस पे होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है 110। तो अभी ये देखो आज फिर इसने सस्टेन किया है, एक अच्छा कैंडल बनाया है, बुलिश कैंडल है, ऊपर ये सस्टेन जा सकता है, तो यहाँ पर अगेन मेरे पास निकलने का कोई रीजन नहीं था। मैं जिस स्टॉक से निकला हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक जेएसडब्ल्यू से मैं निकला हूँ, बिल्कुल जेएसडब्ल्यू से क्यों निकला हूँ, मैंने देख लिया था कि यहाँ पर एक ये रेंज है, ठीक है, आपको भी दिख रहा है, जब ये रेंज है और ये रेंज से जब ये ब्रेकआउट मतलब डाउन गई है, तो ये एक है, बट यहाँ से मैंने देखा था कि इसको सस्टेन करना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, बट ये यहाँ पर वेट करवाया, यहाँ वेट करवाया, इस कैंडल में वेट करवाया, लेकिन नेक्स्ट मेरी जैसे इसने ब्रेक डाउन किया मैं यहाँ से एग्जिट कर गया, ठीक है। ये रीजन्स थे कुछ, तो मैं आपको फिर और दिखा देता हूँ इसमें अगर होगा तो। हाँ ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में, अभी मैंने लिया नहीं है, एग्जिट नहीं किया, इसको मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये इस पॉइंट के लेवल के ऊपर आसपास आए, मैंने अलर्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पर फिर ये बाय बन सकता है। तो इस तरह से देखो ये मैं रेडी हूँ, आज अगर ये मेरी इसके ऊपर ऊपर जाता, सस्टेन करता, तो मैं इसमें एंट्री ले लेता, इस तरह से मैं पहले ही रेडी हूँ कि अगर कुछ पॉजिटिव होता है, अगर मार्केट अच्छा जाती है, तो मेरे पास एक है, एक ऐसी ट्रेड जो कि अच्छा मूव कर सकती है, ना ही करे तो अलग बात है। आज मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये माइंडट्री नहीं है, तो फिर भी 5% चला, तो मेरी लिस्ट में है फिर भी 5% चला, मेरे पास नहीं है तो इसका कोई गम नहीं है, जो है वो चाहे 2% चले, 1% चले, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कल को ये 1% चलेगा, -5% चलेगा, या मेरे वाला जो मैंने लिया है वो चलेगा, ठीक है। ये नहीं लिया मैंने, एस्ट्रल मेरी लिस्ट में है, इसका इसका एक रीजन बता देता हूँ, ये एक देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है, ये मेरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो ये जैसे ही इसको ये आप फेल करता है इस रेंज को, क्यों फेल करना चाहता है, मतलब मैं क्यों मान रहा हूँ रेंज को फेल, देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, इसको तो फेल कर दिया है, तो फिर क्यों इसमें एंट्री नहीं लिया मैंने अभी तक, आप एक बार देखोगे, अगर ये लेवल जो है मेरा गोल्डन रेशियो, अगेन आप देखोगे गोल्डन रेशियो पे फेल, फिर यहाँ पर फिर डाउन, फिर फेल, अब यहाँ पे इतना अच्छी कैंडल बनाई है, अगर ये ऊपर जाता है, सस्टेन करता है इस साइड में, तो यहाँ पे एंट्री बनती है, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में रेडी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एसआरटी में मैं निकला था, क्यों निकला था, आप देख सकते हो ये मैंने एक रेंज ड्रॉ की थी कि हाँ इस पॉइंट पे कहीं पे इसको रहना चाहिए, ठीक है, ये एक रेंज मैंने ऐसे ड्रॉ की थी, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, अगले दिन इसने क्या बनाया, बुलिश एनगल्फिंग बना लिया इसको, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया, जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं यहाँ पे मैं एग्जिट कर चुका हूँ, उसके बाद नीचे जाके वापस ऊपर आए वो अलग बात है, आपने एक बार एग्जिट करना ही करना है, ठीक है। और मेरे पास ऐसा कुछ था जो मैं एग्जिट कर चुका हूँ, उसका रीजन मैं आपको बताता चलूंगा, नो सेल मेरे पास था, हाँ ऑब्वियसली मेरे पास नो सेल था, आज मुझे शेकआउट कर गया ये, जब ये मैंने देखा फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल इन लो के नीचे सस्टेन करेगा, क्योंकि जब और स्टॉक्स मेरे अगर सस्टेन कर रहे हैं तो ये भी करना चाहिए, तो ये नहीं किया, देखो ऐसा नहीं है कि मैं बैठा रहूंगा के होप में, मैं जैसे इसके नीचे अगर गया तो मैं एग्जिट कर गया, बाकी वो बाद में उसको एज अ विक बना दिया, वो कोई नहीं, किसी को नहीं पता, आपको निकलना है, नेक्स्ट टाइम फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है मुझे यहाँ पर इसका प्राइस मिल जाए, किसी को नहीं पता, तो आपको लॉस को आपको कंट्रोल करना है, ना कि आपके प्रॉफिट के बारे में सोचना है पहले, ठीक है। और मैं आपको नहीं, ये मैंने जिस लिस्ट में रखा हुआ है इसमें, हाँ इसमें मैंने एग्जिट किया है, ये देख सकते हो आप एग्जिट, यहाँ पर मुझे समझ आ गया था कि ये कैंडल है जो इसका अगर लो टूटा है, यानी 3,20 टूटा, तो ये काफ़ी अच्छा लो था इसका, काफ़ी अच्छा, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, ये देख सकते हो आप, इसने 320 नहीं तोड़ा था यहाँ पे पूरे दिन में,
320 नहीं तोड़ा, ये पूरे दिन यहाँ रहा यहाँ रहा यहाँ रहा। तो मैंने समझ गया था कि अगर यहाँ 320 अगर ये सस्टेन करता है तो ऊपर जा सकता है, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ ये की बाइंग आ रही है, उसको ब्रेक करता है तो फिर ये नहीं होगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही इसने 320 यहाँ पे ब्रेक किया, अगले दिन मैं निकल गया हूँ और अब ये यहाँ पर है, हो सकता है वापस जाए, वो फिर से अगेन नहीं पता। तो आप देख सकते हो जो मेरे लेवल्स को ब्रेक कर रहा है उससे मैं निकला हूँ, वो डाउन जा रहा है या किसी भी ऊपर भी गया होगा, और जो मेरे लेवल्स को बिल्कुल सस्टेन कर रहा है, जो कुछ लेवल पे कोई आपका ब्रेक ही नहीं कर पा रहा या बिल्कुल आपका कोई लो नहीं तोड़ा है, तो उसको मैं एग्जिट क्यों करूंगा। इस तरह से मैं प्रिपेयर रहता हूँ और उसी तरह से मैं सेटअप्स को अपने होल्ड रखता हूँ, और जो सेटअप मेरे लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाते उनसे मैं एग्जिट कर देता हूँ बिना कुछ सोचे, चाहे वो 1 रुपये का ही कुछ नीचे गया हो, मतलब एक लेवल से जो मैंने सोचा हुआ है, या फिर उसके बाद वो निकलने के बाद चाहे वो पूरा रिवर्स हो जाए, अगर वो मुझे कुछ फिर से अगेन मेरा कोई ऐसा एक लेवल ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो मैं उसमें फिर से री एंट्री करने की जरूर कोशिश करूंगा। जस्ट एक एग्जाम्पल, मैंने सोचा हुआ था कि आज अगर ये इसके यहाँ पे था जिस टाइम, कि अगर ये इसका हाई ब्रेक करता है इसमें, इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ है, और अगेन इसने बिल्कुल हाई ब्रेक करके ही उसके पास एक क्लोज हो गया, तो अगेन ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि क्या मैं आगे के लिए बाय करूं या नीचे आएगा, तो नेक्स्ट कैंडल ही मुझे बता पाएगी। तो इस तरह से हमें डिफाइन रहना पड़ता है, हमें रेडी रहना पड़ेगा कि कल क्या होगा, उसके लिए मैंने आज सोच के रखा है। सिर्फ लाइव मार्केट में मैं नहीं देख सकता कि यहाँ भाग रहा है, चलो ले लेता हूँ, पता नहीं अब कहाँ जाएगा, ऐसा नहीं। सो गाइज, यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप मेरे आपको सेटअप समझ आए हो, रीजन समझ आए हो, रीजनिंग मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, और ये आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अपनी ट्रेड को भी होल्ड करने में कहीं पे हेल्प करे तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।